हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये हमारे पास 5 kg डेमोलिशन हैमर है। इसमें प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि इसकी ग्रीस बाहर आ जाती है और इसमें फील्ड कॉइल में भी चली जाती है, ताकि हमारा फील्ड कॉइल बहुत ही गंदा हो जाता है और कभी कभी हमारा फील्ड कॉइल ख़राब भी हो जाता है ग्रीस की वजह से। क्योंकि दोस्तों हमारा ग्रीस बहने लगता है, तो यह हमारा ग्रीस जब बहने लगता है तो हमारा ग्रीस फील्ड कॉइल में आ जाती है, तो इसीलिए हमारा फील्ड कॉइल ख़राब हो जाता है और आर्मेचर भी ख़राब हो जाता है। तो आज हम जानेंगे कि दोस्तों ग्रीस कहाँ से आती है। आप भी दोस्तों वीडियो को देख कर आप अपना हैमर को सही कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, थोड़ी वीडियो है दोस्तों, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देना, ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक आए। अगर आपका कोई सवाल हो या सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और अगर वीडियो में कुछ गलती हो तो गलती क्षमा चाहता हूँ, और अपना राय और कमेंट में ज़रूर बताएँ। दोस्तों अभी हमारी ये मशीन खुल गई है, तो देख सकते हैं कि फील्ड कॉइल में बहुत सारी ग्रीस आ चुकी है, और फील्ड कॉइल को भी ग्रीस आ गई है। तो दोस्तों उसको फील्ड कॉइल को बाहर निकाल कर उससे पेट्रोल से सफाई कर लेंगे, ताकि हमारा फील्ड कॉइल अच्छा हो जाए, नहीं तो हमारा फील्ड कॉइल ख़राब हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम हैमर का साइड खोलेंगे। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं आप इलेक्ट्रीशियन हैं या आप प्लम्बर हैं या आपकी पावर टूल की शॉप है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों, ताकि मैं जान सकूं कि आप हमारी वीडियो कौन देखता है। अगर आपकी मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, या तो आप इंस्टाग्राम पर फ़ोटो भेज सकते हैं मशीन की फ़ोटो भेजेंगे तो जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी होगी। दोस्तों अभी हमारी मशीन ये खुल गई है, और ये है दोस्तों हेड, और हेड में दोस्तों क्रैंकशाफ्ट लगा है, उसके बाद ये बैरिंग लगी है 6303, जो कि दोस्तों इसमें ऑयल सील नहीं लगी है, तो ये हमारी 6303 बैरिंग में प्ले आ गया है। इसीलिए दोस्तों इस बैरिंग से हमारा ग्रीस आती है कॉइल की तरफ और हमारा कॉइल ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों इस बैरिंग को आप चेंज कर दीजिए और अच्छी कंपनी की लगाइएगा, ताकि ये हमारी बैरिंग ख़राब ना हो। दोस्तों ये हमारा क्रैंकशाफ्ट के नीचे एक ये बैरिंग लगती है दोस्तों, जो कि नीडल बैरिंग है, और मैं दोस्तों ये 6000 नंबर की बैरिंग लगी होती है, तो दोस्तों उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वजह से भी बैरिंग हमारी ये ख़राब हो जाती है।